हमनी के समझ में नहीं के आवत कि तू कहे के का चाहता रहा। हमनी के साथ इतना बड़ा कांड हो गयलू और हमनी चुपचाप बैठ जाई, मने सब कुछ छोड़ दी राम भरोसे। हाँ देखो हमर बात गलत मत समझो, हम तो खाली समझावे की कोशिश कर रहल बानी कि समस्या के हल किसे निकली। तू तो जाना तारू ना कि जो भइल बा ओकरा बदलल नहीं के जा सकत, और इहो बात से इनकार नहीं के कर जा सकत कि अजीत भैया के बियाह पूरा विधि पूर्वक और लड़की के साथ भइल बा, और हमने चाह के भी कुछ नहीं की कर सकत। तहार बात बिल्कुल सही बा चिराग, लेकिन अब हमनी के का करी। चाचा जी वह घर के सबसे बुजुर्ग वाणी हमनी के इकलौता गार्जियन भी, अब रोगे बताएं कि अब का कहल जाओ। ए बेटा हमार तो कूल्हे ब्रह्मांड घूम गए, हमरा तो कुछ समझे में नहीं आवत कि हम कहा करी। देखिए बाबूजी अभी समझे समझावे के समय नहीं रह गई, देख ले नीनू बियाह हो गई बा और लड़की वाले ही बात के साबितो कर दी। अगर हमने बियाह से इनकार करी नू तो चल जाइए वो लोग पुलिस लगे। के का चाहता रहा, हमने जानबूझ के आपन सर ओखली में कुटाई खातिर छोड़ दी और जीवन भर ये लड़की के छेली। अब और कोनो रास्ता नहीं खे रहोगे, लेकिन हाँ एक रास्ता बाचल बा देनी के अलग होए के अबा कानूनी रूप से तलाक के। लेकिन ओकरा में बहुत नुकसान बा, क्या कि ओकरा में अजीत भैया के अपन संपत्ति के बहुत बड़ा हिस्सा अई महारानी के मुआवजा के तौर पर देवे पड़ी। खेला धोखा भी हमने खैनी और मुआवजा भी हमने दी। एको फूटी कौड़ी ना दे कोनो हराम का पैसा धरल बका ईजा। अरे तो हमहू तो ये समझावे के कोशिश कर रहल बानी ना, कोनो ऐसा रास्ता निकालो जा जैसा से सांपो मर जाए और लाठियों ना टूटे। कोर्ट कचहरी पुलिस भइल तो हमी सब के बहुत परेशानी हुई और सबसे ज्यादा नुकसान हमनिये के हुई। भैया कहीं वो लोग सही में पुलिस के यहाँ ना चल गए लोग? ना ननकी अभी तक तो वो पुलिस लगे ना पहुंचल, और हम फोन करे रही थाना में वो सब ना पहुंचल। बाकी तू चिंता मत कर ना, अरे एक बार अगर मछली पानी में चल गई तो ओकरा पार लग ही के पड़े, और चाहे कुछ भी कर लिया नहीं लोग उनका के विवाह के अपनाव ही के पड़े। एक बात है नन की ये सब काम बड़ा ठीक से हो गए, वो कहावत है ना कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। लेकिन उनकी एक बात के बड़ा बड़ा अफसोस किया कि सुधा बहन ने अभी भी हमरा से नाराज भी है। अरे कोनो बात ना भैया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। लेकिन भैया एक बात हमरा अब तक समझ में ना आई। क्या?
कि जब सुधा के तू ही अपना घर में बनवैले रहला तो ये बात तू पहले हमारा से काहे ना बतैला। बेचारी हमार बेटी रात भर छत पे बन्हाइल पड़ल रहा। नानन की अगर हम सुधा के नहीं मान ले रहे तो खुद परेशान रहे हम कि आखिर सुधा गईल कहां भी आ? वो जब पूरब चले रस न तब तू जान लू और हम भी जान ली कि सुधा छत पे भी आ। का बात कहता रहा भैया, हम तो अब तक यह समझत रहनी है कि सुधा के छत पे तू ही ले आइल बड़ा और तू ही बनवाइल बड़ा अपना घर पे। अरे बात उनकी ना, अरे हम अगर मानती तो तारा के बतेती ना। अरे हम तो खुद परेशान रहे कि आखिर हमारे आदमियों से पीछा छुड़ा के सुधा कहाँ भाग गई भैया। कमाल बा भैया, जब ये काम तू नहीं करवाइले तो फिर के करवाइले बा? भगवान के लाख लाख धन्यवाद कि जो ना बिया में हम ना जाए के चाहत रहले ओकरा में कैसे भी करके हमरा के भेजलन। अगर हम कोनो वजह से ना पहुंच पेल रहती तो तू रात जरूर मड़वा में पहुंच गेल रहतू। तार बिया अजीत भैया के साथ हो गेल रही और हम तोहरा जिंदगी भर ला खो दिले रहती। लेकिन अब तो भगवान वो चाहता रहे कि हमारो तार जोड़ी बने, हम जल्दी तरह से ब्याह करके अपना साथी ले आए। तू हमार बाड़ू सुधा, सिर्फ हमार। जय हो भोले बाबा। चिराग भैया एकदम सही खातरा ले। हमने की कुछ ऐसा नहीं करे के पड़ी जौना से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन दीदी सब होई कैसे, का कल जाए हमनी के? थोड़ा सब्र रख, सब समझ में आ जाए। देख ये बात तो सही बा कि ई बिया सारा समाज के सामने विधिवत भइल बा। हमने ई बिया के झुटला नहीं के सकत और अगर हमने ई बात के माने से मना कर देनी तो
वो लोग भैया के जेल भी भिजवा सके। और अगर हम ही तरीका से अलग होके की चाह तो तलाक के मुआवजा के रूप में ढेर सारा रुपया उन लोगों के देवे के पड़े। दीदी तू भी तो वह सब कह रहा बाड़ू जो नबीन अभी चिराग भैया कह के गई है। अब तू अपने हिसाब से बताओ कि ये समस्या के हल का बा। हल सिर्फ ये बा कि ये लड़की इज्जत से चुपचाप चल जाए। लेकिन ये लड़की इतना आसानी से तो इज्जत से जाए ना, और ना ही एक घर वाला इकरा के इज्जत से लेके जाए। बात तो तुहार सही बा, लेकिन तू कहे के का चाहता रो? ये कि हमने ये लड़की के इतना परेशान कर जाए, ये लड़की खुद पर खुद तू ये चार दिन में इज्जत से अपना मुड़ी पर गोड़ रखकर भाग जाए। फिर तो ना रही बास और ना बजी बांसुरी। यह रास्ता ठीक रहे कि मुफ्त में मिलन मुसीबत से आसानी से छुटकारा पाए घर। ए जी रउआ का कहता नहीं? हाँ? ए जी बोली ना, रउआ का कहता नहीं? यह ठीक रहे। देखो बेटा अब एकरा अलावा कोनो चारा नहीं है। बुझा था कि कोनो परिहार ग्रह ला गेल बा। जब तक ही अनचाही लेके जैसे चल लेके जात तब तक थोड़ का कष्ट उठा ले बेटा। ओकरा बाद ही ग्रह कटला के बाद हमने दोनों मिल करके तहार ब्याह कोनो नीमन जगह पर करा दे। हम चलो मलकिनी। भगवान तोहरा के और तोहरा मातारी के कौनो जन्म में घटिया काम करे खातिर माफ ना करिए। अरे कौनो जन्म के बदला निकल लो तो हमनी से हमार भतीजा का बिगड़ लेना तोहनी के जो इतना बड़ मुसीबत बन के ओकरे घर में टंगा गई हो। अरे घूंघट में अपन चेहरा छिपावे से पहले एक बार अपन सूरत आईना में देख लेवे के चाहत रहा। अरे चला मलकिनी यहाँ से, एकरा से भास करके कौनो फायदा नहीं है। चला परेशान मत होगा, हमने के मिलके सब ठीक कर दे। हाँ भैया सब ठीक हो जाए। बताए तो कहां तो हमने ये सोच ले रही कि ये बिया करवा के अपन मतलब साधल जाए, लेकिन एहजा तो पूरा दांव ही उल्टा पड़ गई।
हुकूमत तो हमनियों से बढ़ कभी नहीं निकलत। हमनी जैसन घाग मने के भनक तक ना लागे देलस और धोखा के टोपी हमनी के पहना देलस। ये बोझ जाएंगे धोखा खाली अजितवे के साथ ना हमनियों के साथ भेल बा। मन तो करत और कुमुदवा के झोटा पकड़ के ओकरा में आग लगा। अब ज्यादा बड़बड़ मत करो और अपन मुंह पर ताला लगा के रखा। अगर हमने कुमुद के खिलाफ कुछ कहनी है जाना तो सातिर खिलाड़ी औरत हमने के फंसा के छोड़ दी। हमने के फंसा दी का कहले माने जी हमने। देखी मलकी दी कुमुद हमरा के धमकी देले पड़े कि अगर हमने ओकर बेटी के खिलाफ कुछ कहनी है जाना तो हमने के सारा सच्चाई अजीतवा के जाके बोल दी कि हमने अपन मकसद साधे खातिर अजीतवा के साथे हमदर्दी के नाटक कर रहल बानी। हम मानता नहीं कि ई बियाह करवैले में हमने के हाथ बा, लेकिन हम ई विवाह सुधा से करवावे के चाहत रहनी है। उ करियट्टी के साथ ना नू किनी बात के माने तू या हम और के मानी। ये से कुमुद हमरा के कहले पड़े कि अगर हमनी बात के ना समरनी है तो सबके जाके ये बताई सबके जाके दुल्हन मसले में हमनी के हाथ है हमनी के हाथ है। मलकिनी हमने के अपन बनावल फंदा में वो हमनिये के फंसा लेले पड़े। लेकिन ई बात झूठ बा, दुल्हन बदले में हमने के कोनो हाथ ना रहल। लेकिन ई झूठ हमने के साबित कैसे कर जाए। जैसे ही सबके पता चले कि रिश्ता के पीछे हमने के कोनो मकसद छिपल बा वैसे ही हमने खातिर मुसीबत खड़ा हो जाए। मलकिनी देखिए मलकिनी जवान औरत इतना लोग के आंख पे धूल झोंक करके हेरा फेरी कर सके ले हमने के आसानी से फंसा सकती है। यह से हमने के भलाई यह में बा कि सब कुछ देखत सुनत हमने के अपन आंख बंद कर लेने के चाहिए। अच्छा तो ये आसमान में उड़त चिड़िया कपो ना कपो तो जमीन पे आई बे करी और 14 दिन हमरा के मौका मिल गया ना हम ओकरा के नानी ना याद दिला देले तो हमरो नाम दुलारी ना वाह भाई वाह माने के पड़ी तहनी के बेहे आई। इतना कुछ होला के बाद भी आ गईल एजा आपन ई चेहरा दिखावे। शर्म नाम के कोनो चीज बचल बा की ना तहरा ई आंख में। देखी हम जाना था नहीं कि हमनी के तरफ से बहुत बड़ी गलती भई लेकिन हमरा विश्वास करी कि जो कुछ भी भइल बानू ओकरा विषय में हमरा के या हमर बहिन विभा के कुछ मालूम ना रहे।